विभागीय लापरवाही की वजह से बेंगाबाद प्रखंड के न्यू गिरिडीह स्टेशन के बाहर गरीबों का अनाज सड़ रहा है। शुक्रवार को भी यहां अनाज की बोरियां बारिश में भीगती रही। एक और जहां सरकार गरीबों को कम मूल्य में FCI के माध्यम से अनाज आवंटित करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गिरिडीह के PDS अधिकारी व रेल विभाग के अधिकारी इन अनाजों को सड़ाने में कोई भी चूक नहीं करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि FCI के अनाज को न्यू गिरिडीह स्टेशन में रेलवे और PDS के अधिकारियों ने सड़ने के लिए छोड़ दिया है, जबकि इन अनाजों को अब तक गोदाम में सुरक्षित पहुंचा देना चाहिए था, मगर यहां के अधिकारियों ने लापरवाही दिखाते हुए अनाज को सड़ने के लिए छोड़ दिया। बता दें कि गिरिडीह में जब से रैक पॉइंट बना है तब से FCI के अनाज न्यू गिरिडीह के स्टेशन में सीधे तौर पर आ रहे हैं, मगर बारिश से बचाव के लिए किसी तरह के उपाय नहीं किए गए हैं। नाम के लिए सिर्फ तिरपाल लगाया गया है, जिसमें अनाजों की हजारों बोरियां पड़ी हुई है और तिरपाल का हाल भी खस्ता हाल हो चुका है। दुर्भाग्यवश गिरिडीह में इन दिनों लगातार बरसात होने से स्टेशन के किनारे पड़े लगभग सैकड़ों बोरी चावल पानी में भीग चुके हैं और स्थिति यह हो चुकी है कि यह पूरी तरह सड़ते जा रहे हैं। किन्हीं भी अधिकारी को इन अनाजों की कोई चिंता नहीं है और न ही कोई अधिकारी इसकी कोई जिम्मेवारी उठाने को तैयार है।